मैंने भी साहब 28 साल फौजी नौकरी करते हैं, पर मैंने ये तो आपका प्रशासन देखा ऐसा कहीं नहीं देखा सर, अब तक भी कोई सुनवाई नहीं है। सवाल ये है कि चोरी होने के बाद जो शिकायतें दर्ज होती है उनका निस्तारण हो क्यों नहीं रहा, पुलिस कर क्या रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपने फुटेज बताया, फुटेज चेक कर रहे हैं, अब आपने कोई नाम बताया तो 16 तारीख का बता रहा हूँ सर, वो तो 17 वाला है, 16 के वाला बता रहा हूँ, 16 वाले की बता रहा हूँ, इन्हें पूछो इधर, बिल्कुल घर में है ना, मेरे मोबाइल में पूछा है जैसे गाड़ी आई है कितने आदमी है, पूरा साफ साफ आ रहा है। हीराजी वाला मामला है तो वो जो अपने आईओ है उनसे मिले थे, मिलते ही हम तो रोज ही वहीं रहते, उनको दिखा देते हैं, मैं तो चक्कर काट तो काट दूंगा, ऐसा भी बैठे हम बता देते हैं। अब पिछली इसी रात को एक भैंस हीरानगर में चोरी हुई, हरी जी गुजर के यहाँ, और एक बाबूलाल जी डानी कुमार सिंह जी रिटायर्ड वाला साहब, इनकी यहाँ दो भैंसे और चोरी हो गई, पुलिस प्रशासन को बात कर रहे हैं, वो सबको का मुआवजा नक्शा वगैरह सब देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार भैंस चोरियाँ हो रही हैं और प्रशासन कुछ नहीं, हमने बताया पूरी लोकेशन दे दी कि फला जगह आपको वो मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फुटेज था वो फुटेज हमने कई लोगों को दिखाया और उन्होंने बताया कि यहाँ ये लोग रुक रहे थे और 10-12 लोग हैं, पुलिस को बताया पुलिस वहाँ नहीं गई, हमने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया कि ये कॉन्टैक्ट नंबर है आप इसको ट्रेस कीजिए, ये अपराधी है, लेकिन अब जब हमने पुलिस वालों को पूछा आज, वो कह रहे हैं कि साहब जाँच गई हुई है और सीकर से रिपोर्ट आई, गाँव वाले परेशान हैं, यहाँ कुमार जाने के लोग भी बैठे हैं, हीरानगर रोड के पीड़ित परिवार भी बैठा है यहाँ और हीरानगर के काफ़ी लोग बैठे हैं। सवाल ये है कि चोरियाँ होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, हर जगह चोरी होती है, लेकिन सवाल ये है कि चोरी होने के बाद जो शिकायतें दर्ज होती हैं उनका निस्तारण हो क्यों नहीं रहा, पुलिस कर क्या रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी रात को पता चला कि इनका थाना में भी फायरिंग हो गई, शटर टूट गया, ठीक है साहब, अब वो बाजार वाले हैं साहब, उनकी एकता है, उनका तो शायद कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल जाएगा, क्योंकि वो बाजार में है, बड़ी कौम है उनकी, सिस्टम है उनका, अब जमींदार लोग क्या करें, सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा क्या होगा, आए दिन अपराध बढ़ रहा है, पुलिस प्रशासन सच यही है कि कुछ नहीं करता, जिनको जांच दी जाती है वो खुद नशे में रहते हैं, उनको सच में ही नहीं रहता, तो निवेदन है डीपी साहब से बात हुई है, एडीएम साहब से बात हुई है, एडिशनल साहब से बात हुई है, एसडीएम साहब से मिलकर भी आए हैं, सवाल ये है कि ये चोरियाँ रुकेगी कब और जो चोरी करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब, अगर ऐसा ही होता रहा तो आज हम 150 लोग हैं, हो सकता है कि अगर ऐसा हुआ तो आगे पूरा गांव आगे बैठेगा, फिर भी अगर कुछ नहीं होगा तो नीम का धंधा बंद करना पड़ेगा, तो निवेदन है कि जल्द से जल्द कुछ करें या फिर कुछ बड़ा करने का करवाने का इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। मैंने भी साहब 28 साल फौजी नौकरी करते हैं, पर मैंने ये तो आपका प्रशासन देखा ऐसा कहीं नहीं देखा सर, अब तक भी कोई सुनवाई नहीं है, रात को ऐसी कोई अलोनी है तो सर मैंने सुधार विदेश मैंने काटा है, दिल्ली मैंने काटी है, उसके बाद मैंने कलेशिर मैंने काटा है, आसाम मैंने काटा है, नियम कानून और डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, ये डिसिप्लिन क्या किसी सुनाई क्यों तो बताओ ना, डिसिप्लिन क्या करेगा, आज तक मेरे मैंने मेरे साथ ही आप मेरी आप मिलेगा कभी, आपने बताया क्या आपके केस की कार्रवाई नहीं होगी, आपने बताया क्या पहले हमारा कब चेक उसके बाद कार्रवाई के मामले में हम बाहर से उठ लगे टोल टैक्स चेक कर दिया साहब, आप चेक करो वाले हां और सर ये रात वाली चोरी है ना, ठीक है जा रहे हैं कि आप एक आपका वो ना ऑपरेटर से चेक करवा, अपना ऑपरेटर लेके आइए आप साहब, वो उसको अगर आपका ऑपरेटर चेक करेगा तो मैं समझ जाऊंगा, कहता हूं गाड़ी के नंबर आइए, मैंने कहा ना आप मेरे को बता दीजिए आपका, मैं चेक करा देता हूं शाम तक आपकी क्या कार्रवाई हुई मुझसे आकर के बात करना, मैं कह रहा हूं ना इसको बताओगे तब ना, जैसे भी अच्छा वाला सुनिए वो अपना काम करेगा, आप पूरा जिला में लाभ हो रही हो, लड़ाई करके ठीक है, लाभ हो रहा है तो फिर
मैं जब कह रहा हूँ आपको शाम को पास कर रहे हैं वैसे ही जो आपने कभी बोलते भी नहीं बताया आपको जब हमने वहाँ पेज दिखाया तो उन्होंने कहा आप एक बार अपने कैमरे का एक्सपर्ट भी भेज दूंगा और जो सस्पेक्ट नाम आप बता रहे हो उनको भी चेक कर लेंगे, पूरी तफ्तीश कर देंगे, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है, पुलिस सोई हुई नहीं है, पुलिस ने और भी गाड़ी। 17 तारीख की रात को 2 बजे के आसपास ईरानगर रोड पे 2 पैसों की चोरी हुई थी। FIR दर्ज कर दी, फुटेज दे दी हमने, उनकी कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं अपराधियों के, और जो फुटेज में डाउट थे उन सबका हमने विवरण बता दिया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया। अब 20 तारीख की रात को वही 2 बजे के आसपास एक ईरानगर से चोरी हुई है, एक डानी कुमार सिंह से, और फिर गाँव वाले जब कार्रवाई नहीं हुई तो हमने डिप्टी साहब के यहाँ रोड जाम करके धरना दिया है। डिप्टी साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं आज रात तक जो भी कार्रवाई होगी उसका विवरण आपको दूंगा और जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।